सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है नवरात्रि या नवरात्र में घट स्थापना या कलश स्थापना कब की जाती है, घट स्थापना कहाँ की जाती है, घट स्थापना कैसे की जाती है, मूर्ति या तस्वीर की स्थापना कैसे की जाती है तथा जवारे कैसे वे कहाँ बोए जाते हैं। यदि आप इन सब के बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। पहला बिंदु है घट स्थापना कब की जाती है। घट स्थापना या कलश स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। घट स्थापना का समय प्रातःकाल ही श्रेष्ठ रहता है, परंतु उस दिन चित्र नक्षत्र या वेद्रति योग रात्रि तक रहे तो या तो वेद्रति आदि के शुरू के 3 अंश त्याग कर घट स्थापना करें या मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करें। दूसरा बिंदु है घट स्थापना कहाँ की जाती है। अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के बीच के कोने में घट स्थापना करना श्रेष्ठ रहता है। यदि ऐसा स्थान अपने घर या आवास में नहीं हो तो घट स्थापना ऐसे स्थान पर की जाए ताकि देवी का पूजन करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व की तरफ रहे। तीसरा बिंदु है घट स्थापना कैसे की जाती है। जब घट स्थापना के स्थान का निश्चय हो जाए तब नवरात्रि के प्रथम दिन उस स्थान को साफ करें। नदी या झील की रेत या मिट्टी अथवा स्वच्छ स्थान की मिट्टी में जल मिलाकर वेदी का निर्माण करें। वेदी के ऊपर मिट्टी या तांबे के कलश को गंगा जल या साफ जल से भरकर स्थापित कर दें। कलश के मुंह पर ढक्कन लगा दें और उस ढक्कन पर चावल रख दें। फिर इसके ऊपर श्रीफल अर्थात नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर अशोक के पत्तों सहित रख दें। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, अक्षत व पुष्प अर्पित करें। वेदी पर कलश के चारों तरफ की मिट्टी को थोड़ा पानी डालकर गीला कर दें और उस गीली मिट्टी में जौ के दानों को बो दें। 9 दिन में ये जौ के दाने 4 या 5 इंच के पौधे का रूप ले लेते हैं। इन पौधों को जवारा कहा जाता है, जिनको नवरात्रि समाप्ति के दिन परिवार के लोगों तथा भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कलश को यथाविधि स्थापित करके गणेश आदि का पूजन किया जाता है। चौथा बिंदु है मूर्ति या तस्वीर की स्थापना कैसे की जाती है। माँ भगवती तथा श्री राम एवं श्री हनुमान जी की मूर्ति अथवा तस्वीर को घट के पास चौकी पर लाल वस्त्र या आसन बिछाकर उसके ऊपर स्थापित कर दें। तस्वीर को चंदन रोली का तिलक लगाकर अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही नवरात्रि में घट स्थापना कैसे और कहाँ की जाती है संबंधी विवरण समाप्त हुआ।